दोस्तों खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रेंडिंग क्या होता है मुझे नहीं मालूम। हालांकि खेसारी लाल यादव का पहला गाना जब ट्रेंडिंग में गया था तो ये ट्रेंडिंग के बारे में सच में बहुत कोई को नहीं मालूम था, और ये जानकारी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में देने वाले इकलौते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव थे। लेकिन जो कल एक वीडियो आया ना मंजन सिंह मुकुट का, दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो शख्स है बोलता है अभी जानकारी नहीं है, तो कैसे तुमको पता है कि 2018 में पहली बार जो है वो ट्रेंडिंग में आया वो किसी और का नहीं, वो है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का। तो अरे गधे, सबसे पहले अपनी तो जानकारी ले लिया करो, रिपोर्टिंग सही किया करो। ठीक है मैं पवन सिंह का ना खेसारी लाल यादव का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कभी भी मेरे जो रिपोर्टिंग है आप लोग देख लीजिएगा कि मैं कभी भी किसी के लिए अब शब्द यहाँ पर उपयोग नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो गधे यूट्यूबर लोग हैं जो दूसरे स्टार को काफ़ी घसीटते हैं, यहाँ पर भी आप लोग देखिए कि उसने ये शब्द बोला है कि अबे जब तुमको जानकारी नहीं है तो क्यों बोला कि ट्रेंडिंग में मेरा गया या पहले किसी और का गया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो बोलता है कि सबसे पहला ट्रेंडिंग पवन सिंह के किया है, तो अरे पहले रिपोर्ट को पहले देखो समझो, उसके बाद पता करो, उसके बाद वीडियो बनाया करो। तो आज की जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, और आप लोगों को खुशी होगा ये जानकारी देखकर कि सबसे जो पहला ट्रेंडिंग में गया था वो भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव की। तमाम गाने आप लोग अपने स्क्रीन में देखिए, इन तमाम गाने में खेसारी लाल यादव 2017 से ही ट्रेंडिंग में है, लेकिन ये जो मंजन सिंह मुकुट है ना बनाता है कि 2018 में पहली बार अंधभक्ति में ऐसे लोग डूब जाते हैं कि किसी को भी ये घसीट देते हैं और अपने जो जिसका वीडियो बनाते हैं वो सबसे आगे कर देते हैं। और तो पहले गधे लोग, पहले रिपोर्टिंग करने समय समझ जाओ, पहले देखो उसके बाद रिपोर्टिंग किया करो। तो आज जो जानकारी मिल चुका होगा कि सबसे पहला ट्रेंडिंग सॉन्ग खेसारी लाल यादव की इन तमाम गाने 2017 से ही ट्रेंडिंग में है, तो आज उसको भी जानकारी हो गया होगा। और कुछ जो लोग छूट गए होंगे, जो जानकारी नहीं मिल पाया होगा, उन तमाम लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2017 से ही खेसारी लाल यादव के गाने ट्रेंडिंग में है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी जो मैं आप लोगों को दिया हूँ, और आप लोगों को और भी कुछ जानकारी होगा तो नीचे कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं उन अंधभक्तों जैसा नहीं हूँ कि मैं अनाप शनाप कुछ भी आप लोगों के बीच बक दूँ। तो बस आप लोगों के लिए इतना ही था, ये रिलाई थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मैं किसी को ज़्यादा अपशब्द नहीं बोलना चाहता। बस आप लोग कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर।